छोटे में यू नो स्कूल्स में तो हमेशा परेड होता था और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे और ऑब्वियसली नेशनल फ्लैग अनफर्ल होता था और घर आके यू नो माई डैड यूज़ टू वॉच परेड्स ऑन द टीवी, तो हम सब पूरी फैमिली के साथ मिल के देखते थे कि हमारी कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया है, क्या क्या आर्म्स एंड अम्यूनिशंस है हमारी कंट्री के पास, सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स है, टेक्नोलॉजी में क्या प्रोग्रेस किया है. तो आई थिंक अभी अब जब हम बड़े हो गए हैं तो यू नो हमें ऑब्वियसली और भी ज़्यादा समझ में आ गई उन चीज़ों की, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है और कंट्री के प्रोग्रेस को देखकर एक यू नो प्राउड वाली फीलिंग आती है. और प्लस यहाँ आसपास जो सजावट होता है मुंबई में, यू नो मॉल्स पूरा तिरंगा तिरंगे कलर में यू नो रंगा हुआ होता है और लाइटों से सजाया होता है, पूरे ट्रैफिक सिग्नल्स पे यू नो बहुत सारे ट्राइकलर की सिंबॉलिक लाइटें लगी होती है, सो ऑल ऑफ दैट यू नो फील्स वेरी गुड एंड यू नो वो अच्छा फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग आती है. और हम आज भी परेड देखते हैं ऑब्वियसली और कंपेयर भी करते हैं कि वाह पहले से अब कितनी तरक्की कर ली नाम हमारे कंट्री ने. सो या इट्स अ प्राउड मोमेंट. जो ये जो रिपब्लिक डे है, उस रिपब्लिक डे को आप यू नो हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था हमें ये फ्रीडम दिलाने में और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, यू नो इतना प्रॉपर और इतना इलाबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कंट्री का, उसे जिन्होंने भी लिखा है उन्हें याद कीजिए, बिकॉज दे वर रियली सम रियली इंटेलिजेंट एंड ग्रेट पीपल. सो उन्हें याद कीजिए एंड फॉलो कीजिए एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे.